हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन का हमने गिवन पार्ट आपके लिए लिख रखा है, तो गिवन पार्ट एक बार समझते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको गिवन पार्ट के साथ ये बता दूं कि हमने क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है, डीके गोयल की बुक से लिया हुआ है। आइए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो क्वेश्चन हमें कहता है पहले कि गुंजन लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड। तो गुंजन लिमिटेड ने एक बिजनेस खरीदा, रनिंग बिजनेस, किससे? वृंदा लिमिटेड, फॉर 25 लाख रुपीज। ये 25 लाख रुपीज क्या आ गए? ये हमारी परचेज कंसिडरेशन है, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पीसी। ठीक है, 25 लाख रुपए, यानी 25 लाख रुपए में एक रनिंग बिजनेस खरीदा हमने वृंदावन लिमिटेड से। अब क्या है इसमें या कैसे सेटल हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन बता रहा है कि किस तरीके से ये 25 लाख रुपए पे करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है द पीसी इज सेटल्ड एज, 4 लाख रुपए तो हमने चेक से पे कर दिए इनको, 25 लाख में से 4 लाख पे कर दिए, बाकी कितने बच गए, 21 लाख रुपीज। बाकी के लिए कहता है 8% डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं हम इनको, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, 5% प्रीमियम में। ठीक है, फॉर रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट का मतलब कितना हो गया, अभी निकाला हमने 25 में से 4 के लिए अगर आपने कैश दे दिया तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया, ₹21 लाख। ठीक है, 21 लाख रुपए हमारा रिमेनिंग अमाउंट आ गया। चलिए जी, इसके आगे चलें। आगे कहता है द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ, जो हमने एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदी है 25 लाख रुपए में, उनमें क्या क्या शामिल है। उसमें हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, पेटेंट है, सन्डरी डेटर्स है, स्टॉक है और क्रेडिटर्स है। ये इनकी अमाउंट दे रखे हैं कॉरस्पॉन्डिंग में, 9 लाख, 8 लाख, 40 हजार, 7 लाख, 5 लाख और 1 लाख 20 हजार रुपए। आइए तो सॉल्यूशन पर आए। क्वेश्चन ने हमें परचेज कंसिडरेशन खुद बता रखी है कि इतना पे कर रहा है। ठीक है, बस हमें ये नहीं पता कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन में गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ रहा है क्या, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइए आपके साथ सॉल्यूशन पर चलें। और सॉल्यूशन में एक काम कर लें, इसे गिवन पार्ट से मैं सॉल्यूशन बना लूं। अगर आप कहें तो देखो, ये हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। आप एक काम करो, मुझे इन एसेट्स का टोटल करके बताओ, टोटल बताओ, टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स बताइए कितनी है जी, बताइए। टोटल एसेट्स 9 लाख + 8, 40, 7 लाख और 5 लाख, इन सबका टोटल करके बताइए कितना अमाउंट आ रहा है। हाँ, मैं वेट कर रहा हूं, कितना बता रहे हैं, जल्दी बताइए। हाँ जी, बता रहे हैं ना, हाँ टोटल कीजिए, मैं करूं, कर रहे हैं, ठीक है कर लो बच्चे, एक बार मुझे करके बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। हाँ जी, ठीक है बताइए, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से, कितना बता रहे हैं, 29 लाख 40 हजार आ रहा है, एसेट्स का बताया आपने सारा मुझे। ठीक है, तो 29 लाख 40 हजार ये आ गया इन सबका टोटल, 29 लाख और 40 हजार रुपए। ठीक है, अच्छा 29 लाख 40 हजार में से अब आप 1 लाख 20 हजार माइनस कर दीजिए लायबिलिटीज है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं इसे नेट एसेट्स कितनी की आ गए। एक काम करें, इसे वर्किंग नोट का पार्ट बना लें, या एक काम करते हैं यहां से सॉल्यूशन में लिख लेते हैं इसे, और ये पहला वर्किंग नोट दे देते हैं। ठीक है, जहां से हम क्या निकालेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी से गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आना है वो निकालेंगे। तो कितना आ गया, 9 लाख 40 हजार में से, सॉरी 29 लाख 40 हजार में से 1 लाख 20 हजार गए, तो कितना बचा, 28 लाख 20 हजार रुपए। ठीक है, 28 लाख 20 हजार रुपए हमारे पास बच गए। ठीक है, अब इसके बदले आप पे कितना कर रहे हैं, देखिए आपने कहा हम 25 लाख रुपए पे करेंगे, यानी आप 28 लाख 20 हजार की चीज कितने में खरीद रहे हैं, केवल 25 हजार में। तो नेट एसेट्स में से माइनस करें पीसी, यानी 25 लाख रुपए, यानी आपको तो फायदा हो गया इस बार, आपने 28 लाख 20 हजार की चीज मात्र 25 लाख में 25 लाख रुपीज में खरीदी, तो आपको कितना बेनिफिट हो गया, 3,20,000 का बेनिफिट हो गया। चलिए, तो इसे जो बेनिफिट हुआ इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, जो आप कई बार बैलेंसिंग फिगर भी निकाल के दिखाते हैं, कितना, 3,20,000 रुपीज। क्या ये बात क्लियर है, चलिए। अच्छा, इसके बाद अगला जो वर्क, इसकी हेडिंग बदलकर आप इसे ऐसा लिखिए, एसेट्स ऑन लाइफ, अगर सॉल्यूशन में बात करें तो ये क्या आ गया हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या और कैपिटल रिजर्व। इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया।
अगला वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग किसके लिए, अगला वर्किंग नोट बनाएं यहां पर हमारे पास वर्किंग नोट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर्स, कितने नंबर डिवेंचर देने हैं। तो देखो हमारे पास हमने उसे 25 लाख में से 4 लाख तो कैश दे दिए, बाकी कितने बैंक पेमेंट करना है 21 लाख रुपए का, यानी हमें 21 लाख का पेमेंट करना है उनको और उसके बदले में अपना डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं। एक डिवेंचर हम कितने में इश्यू कर रहे हैं, 5% प्रीमियम में, 100 रुपए का डिवेंचर है, 5 रुपए प्रीमियम आ गया यानी 105 में। तो जरा आप मुझे बताइए 21 लाख को जरा 105 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। हाँ जी कितना बता रहा है, 20,000 क्या आ गया, 20,000 डिबेंचर्स आ गए हमारे कि हम 20,000 डिबेंचर इशू करेंगे। ठीक है जी, आइए अब 20,000 डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं यानी दोनों वर्किंग नोट बन गए। अब जो क्वेश्चन ने मेन पार्ट मांगा था कि भैया जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ, उस पर आते हैं हम लोग। देखिए आप मेरे साथ मुझे बताते रहिएगा एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है, ये इन द बुक्स ऑफ क्या है, गुंजन लिमिटेड है, जे यू एन गुंजन लिमिटेड के यहां पर सबसे पहली एंट्री आएगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज खरीदने की। एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग कितने में है, 9 लाख रुपए का। ठीक है, 9 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग है। इसके अलावा और क्या बताइए, प्लांट एंड मशीनरी भी है, प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, वो कितने का है, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए का। ठीक है, 8 लाख से ये डेबिट आ गया, ये हम अपने बिजनेस में एसेट्स को लिख रहे हैं। इसके अलावा क्या है, पेटेंट्स हैं। ठीक है, पेटेंट्स कितने के हैं, पेटेंट्स की अमाउंट बताओ कितनी वैल्यू के खरीदे हैं, कितने के, 40,000 के। ठीक है, 40,000 के मैंने पेटेंट्स लिख दिए। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, सन्ड्री डेटर्स हैं। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स आ गए हमारे पास, सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू बताइए कितना है, सन्ड्री डेटर्स का 7 लाख। ठीक है, 7 लाख रुपीज हमारे पास वैल्यू आ गया सन्ड्री डेटर्स का। इसके अलावा और क्या बताइए, स्टॉक है, स्टॉक कितने का है, 5 लाख। ठीक है, स्टॉक आ गया 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीज। चलिए यही है ना एसेट्स तो सारे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लायबिलिटीज भी हैं, सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितने के हैं ये बताइए, कितने के हैं, 1,20,000 के। ठीक है, 1,20,000, और अभी हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला कि हमें फायदा हुआ है तो वो क्रेडिट हो जाएगा इस बिजनेस को खरीदते समय कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, वैसे अगर ये बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, वहां पर इस तरह की बातें आती हैं, वहां परचेज कंसिडरेशन वगैरह में डिटेल से कर सकते हैं, बट अभी आप क्लास 11-12 की बातें करें तो वहां नहीं है, ये आपके पास नेक्स्ट लेवल पर आना शुरू होंगी, या तो आप करें बीकॉम में बात करें या सीए में भी, सीपीटी तो छोड़ दो यानी फाउंडेशन, आईपीसीसी लेवल से, ठीक है, वहां मिल सकती हैं आपको चीजें ये। चलिए तो कैपिटल रिजर्व की बात करें तो हमने अभी निकाला 3,20,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व आ गया। ठीक है, और हमने जो पेमेंट करनी है ये वृंदावन लिमिटेड को, कितनी पेमेंट करनी है हमने, 25 लाख की पेमेंट करनी है। ठीक है, ये हमने पहले जो बिजनेस खरीदा उसकी एंट्री की, और हमने यहां पे जो चीजें निकाली हैं ये कैपिटल रिजर्व, ये क्या है हमारा, ये अगर देखें तो बैलेंसिंग फिगर भी है, और हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में भी इसका रेफरेंस दे रखा है, वर्किंग नोट नंबर 1 में भी बताया है कि अमाउंट कैसे आया। चलिए जी, तो नरेशन लिख दें, बिजनेस परचेस्ड या एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेस्ड फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड। ठीक है जी, चलिए आइए नेक्स्ट एंट्री पर चले। अब हमें पीसी सेटल करनी है, तो एक काम कर लें, पहले जो कैश पे करना था वो पे कर दें, उसके बाद बाकी डिवेंचर वाले को अलग करें, या आप कहें तो कंबाइंड एंट्री से कर दूं, कंबाइंड से कर दूं। चलिए जी कंबाइंड से कर देते हैं फिर, वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कुछ तो आपने पेमेंट कर दिया बैंक से, तो बैंक क्रेडिट हो गया हमारा, कुछ आपने डिबेंचर इश्यू किए, डिबेंचर का रेट क्या था मुझे डेट बता दीजिए, 8% है, 8% डिबेंचर्स आपने डिबेंचर इश्यू किए और प्रीमियम पर इश्यू किए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। आप 20,000 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, 20,000 डिबेंचर
आप इशू कर रहे हैं और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का। प्रीमियम में कितना जाएगा, 20,000 डिबेंचर पर 5 रुपए जाएगा, यानी 1,00,000 रुपए। तो ये हो गया हमारे पास, और ये कितना हो गया, 20, यानी कि हमारे पास ये आ गया 20,00,000 रुपए। ठीक है, 20 आया, ज्यादा आ गया ये हमारे पास। अच्छा 20 ही आया, ठीक है जी, 20,00,000 आ गया। अच्छा बैंक से हम 4,00,000 रुपए पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्रेडिट का 25 हो गया, और हमें लायबिलिटी जो थी हमारी ये 25 से ही खत्म करनी थी, क्योंकि हमने 25 में ही ये सामान खरीदा था इनसे। आइए तो नरेशन लिख दें, पीसी सेटल्ड इन कैश एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए जी, ठीक है जी, तो हमारा ये वाली एंट्री भी हो गई जो क्वेश्चन ने मांगी हमसे। हमने वर्किंग नोट का रेफरेंस भी दे दिया दोनों में, आइए यहां नहीं दिया था, यहां और दे दीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस जरूर लिखिएगा। चलिए तो सॉल्यूशन हो गया, आपको मैं एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूं दोबारा से सारी चीजें। ये आइए, ये दिख रहा है सारी एंट्री आ गई ना आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो एंट्री नंबर 1 बिजनेस परचेज करने की, और एंट्री नंबर 2 क्या है, हमने जो पीसी सेटल की है उसकी एंट्री आ गई। आप कहें तो वर्किंग नोट में आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 है, जो वर्किंग नोट नंबर 1 तो हमने पहले गिवन पार्ट से ही बना लिया था। चलिए ठीक है, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया उसमें और वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया। और वर्किंग नोट नंबर 2 किसका है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने निकाले जो हमें इशू करने थे सेलिंग कंपनी को, ठीक है, वेंडर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ये हो गया आपका, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।